हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद्यालय में। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। तो आज के लेक्चर में हम क्वोशेंट रूल पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आज सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न रूल। तो अगर हम कहें y इक्वल टू यू बाई वी है और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें रिजल्ट देगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स यू बाई वी। यू बाई वी कोई फंक्शन है तो इसका रिजल्ट आता है dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव। याद रखना है कि इसमें नेगेटिव साइन आता है और प्रोडक्ट रूल में पॉजिटिव साइन। यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो अगर हम डिवीज़न रूल में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डेरिवेटिव ये आता है। तो ये रिज़ल्ट आपको याद करना है। तो पहले v को बाहर कर देना है और डेरिवेटिव ऑफ u सब्ट्रैक्शन, फिर u को बाहर कर देना और डेरिवेटिव ऑफ dv वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर का स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन से इसको समझते हैं हम। तो क्वेश्चन फर्स्ट, वाई इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो एक तो तरीका है कि आप इसका जानते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते ही है, होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। तो देखते हैं ये रिजल्ट आएगा कि नहीं, ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये नीचे का फंक्शन है कॉस एक्स, इसको बाहर करना है और डेरिवेटिव लेना है साइन एक्स का नेगेटिव में। फिर उसके बाद इसको छोड़ देना है और डेरिवेटिव लेना है डेनोमिनेटर का कॉस एक्स डी वाई डी एक्स और नहीं साइन एक्स या साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स और कॉस एक्स का लेना है डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स नेगेटिव साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, ये वैसे का वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स।
डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आपको भी पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो ये प्रूव हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, और ये 10x का प्रूफ भी हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू e रेज टू पावर x 5 रेज टू पावर x। तो इसको भी ऐसे ही करना है, dy वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x 5 रेज टू पावर x। तो डेरिवेटिव करेंगे इसका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 5 रेज टू पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 रेज टू पावर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर डेरिवेटिव ऑफ 5 ए रेज टू पावर एक्स 5 लॉग 5 ए लॉग ए, और ये 5 ये 2x ये हो जाएगा। तो यही हो गया इसका डेरिवेटिव, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो e रेज टू पावर x को कॉमन ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू log x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। सेम अप्रोच से ही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस, फिर लॉग एक्स को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमको रिजल्ट देगा एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये एक्स माइनस लॉग एक्स 2x एक्स रेज टू पावर 4 ये आंसर आ जाएगा। तो सब ऐसे ही करना, जितने भी क्वेश्चन होंगे सेम अप्रोच से ही। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूँगा। टेन एक्स बाय एक्स क्यूब सेम अप्रोच, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स का पहले डिफरेंशिएशन होगा और एक्स क्यूब को छोड़ देंगे, एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स नेगेटिव, फिर टेन एक्स को छोड़ देंगे और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर थ्री थ्री एक्स स्क्वायर, ये एक्स रेज टू पावर सिक्स, तो यही आंसर हो जाएगा। तो सब इसी अप्रोच से करना है, तो फॉर्मूला को याद ज़रूर कर लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, वाई इक्वल टू कॉस एक्स एक्स स्क्वायर, दूसरा वाई इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स एक्स क्यूब, सेम फॉर्मूले पे उसी फॉर्मूले पे करना है, ये यू हो जाएगा, ये वी यू ये वी। तो अगले लेक्चर में हम चेन रूल पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू।